आतिशी मार लेना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, ये झूठ बोलने की मशीन है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना ने की है, ये दिखाता है कि राजनीति के किस गंदे खेल के ये लोग माहिर हैं। जिन कच्ची कॉलोनियों में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था, वो गंदा खेल लोकसभा चुनाव से पहले आतिशी मार लेना, जब आप बिजली मंत्री थी, आपने शुरू किया था। 1731 कच्ची कॉलोनियों को लोगों को तंग करने का काम आपने शुरू किया था। क्यों? क्योंकि आप लोकसभा चुनाव जीतना चाहते थे, लेकिन लोगों ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और हमारे सांसदों ने लोकसभा के चुनावों में वादा किया था कि हम इस समस्या का समाधान करा के छोड़ेंगे। हमारे सातों सांसद माननीय उपराज्यपाल जी से मिले, उनसे निवेदन किया, केंद्र सरकार से अपील की, और जिन बिजली कंपनियों ने इस NOC को बाध्य किया था, वो बिजली कंपनियां आपके पावर डिस्कॉम की हैं, आपके ज्यूरिडिक्शन में आती हैं, उन्होंने रोक लगाई थी और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद वो रोक हटी। और इसलिए 6 अक्टूबर को बुराड़ी में, दिन याद कर लीजिएगा, 6 अक्टूबर बुराड़ी में सब कच्ची कॉलोनी के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने आए थे कि हमारी इस मांग को हमारे सांसदों के संघर्ष के बाद मान लिया गया है। तो आतिशी मार लेना, झूठ बोलना और काम करना, दोनों में बहुत फर्क है। कच्ची कॉलोनियों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी, उनको नियमित करने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। तो हम सबको मालूम है कि आप सिर्फ दिल्ली को लूटने आए हैं, झूठ बोलने आए हैं, दिल्ली को ठगने आए हैं। और इस कच्ची कॉलोनी में NOC बिजली कनेक्शन की जो NOC का काम था, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के प्रयास से, भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष से हटा है। और इसी तरह से गांव में मोटिशन भी हमने चालू किया है, कल को आप इसका भी झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें, इसलिए पहले बता रहा हूँ। वहाँ भी गांव के देहात के लोग माननीय प्रधानमंत्री को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस झूठ बोलने की मशीन को ज़रा संभाल के रखिए, ये आगे बहुत काम आने वाली है।